हेलो दोस्तों दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आर्ट केम का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप उनको कैसे यूज कर सकते हो और कैसे उनको इस्तेमाल करके आप आसानी से काम कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आर्ट केम खोलेंगे हम। आर्ट केम खोलने के बाद फिर यहाँ से न्यू मॉडल ले लेंगे। और ये सब मैंने आपको पहले चैप्टर में बता ही दिया था कि इसमें क्या होगा। साइज डाल देंगे यहाँ पे और mm डाल देंगे, रेजुलेशन रख लेंगे, और सेंटर में रखना हो तो सेंटर में, और टॉप में रखना हो तो टॉप में। ये मैंने आपको पहले बता दिए ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको आज सेकंड चैप्टर में कुछ नई चीज़ें बता देता हूँ। तो दोस्तों हमने ये आर्ट केम ओपन कर लिया, ये 3D व्यू आ गया हमारे पास और ये 2D व्यू आ गया। आप इसको 3D व्यू में वैसे देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके इसको ऐसे 3D व्यू में देख सकते हो यहाँ से क्लिक करने पर, और नॉर्मल देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आप 2D व्यू में आएंगे, और मैंने जैसे कि ये आपको बता ही दिया सारे, नोड एडिटिंग हो गया, पेंसिल हो गया, कलर ऑप्शन हो गया, ये टूल हो गया, और ये क्रिएट पॉलीलाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्टार हो गया, ये आर्क हो गया, टेक्स्ट हो गया, स्मूथ हो गया, ये सब मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब हम बात करेंगे 2D में कुछ और यूज होने वाले टूल पाथ की। तो ये देखिए टूल्स, ये टूल बताऊंगा मैं आज आपको कुछ। तो जैसे कि हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, देखिए ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। और एक मिनट दोस्तों, ये हमने सर्कल ले लिया एक, ये दूसरा सर्कल ले लिया हमने, ठीक है। और इसको क्रिएट करके क्लोज कर देंगे, जैसे कि ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सर्कल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो बीच की लाइन है ये हटानी है। तो ये किससे हटाएंगे हम, आपको ट्रिम वेक्टर पता है, ये ट्रिम वेक्टर है, इससे हम बीच की लाइनें हटा देंगे। जब भी मतलब वेक्टर आपस में काट रहा है तो हम इसके द्वारा हटा सकते हैं ट्रिम वेक्टर के द्वारा। ट्रिम वेक्टर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद हम जैसे भी लाइन आपस में क्रॉस कर रही है वो हम यहाँ से हटा सकते हैं। ये देखिए ये ट्रिम वेक्टर हो गया, ये देखिए। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है, देखिए दोस्तों यहाँ ट्रिम वेक्टर लेने के लिए यहाँ जॉइन का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो पहले से जॉइन हो जाएगा। जैसे ही क्लिक कट करेंगे वहाँ से वो जॉइन हो जाएगा, हमने पहले इसको जॉइन नहीं किया था। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हम इसको, ये देखिए अलग अलग हो गया, ये ट्रिम वेक्टर है, इससे हम अलग मतलब एक जॉइन कर सकते हैं, जैसे बेल्ट की तरह भी काम में ले सकते हैं इसको। अब हम यहाँ से जे दबा के ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है दोस्तों, ये पूरा वेक्टर ज्वाइन हो गया। जैसे ये आपको ग्रीन नोड दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका वेक्टर पूरा सही है, ये ज्वाइन हो चुका है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, तो हम क्लोज कर देंगे, रेक्टेंगल ले लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ से वापस हम वही जॉइन बताता हूँ मैं आपको जॉइन कैसे करना है। तो हम इसको लेते हैं और यहाँ पे जॉइन पे क्लिक करके रखेंगे, तो जॉइन पे क्लिक करके रखेंगे तो इसको हम जैसे ही काटेंगे ये वेक्टर हमारा जॉइन हो चुका है। ये देखिए ग्रीन ऑप्शन आ गया, अलग अलग नहीं है, ये जॉइन पे क्लिक करने पर ये वेक्टर हमारा जॉइन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने पर ये जॉइन का टिक है, यहाँ पे ऑटो जॉइन वेक्टर है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जॉइन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ट्रिम वेक्टर का ऑप्शन, और मैंने आपको ट्रिम वेक्टर बता दिया। अब मैं आपको ऑफसेट वेक्टर बताता हूँ, देखिए दोस्तों ऑफसेट वेक्टर क्या होता है। ये ऑफसेट, जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी, और अब इसमें क्या है हम ऑफसेट देंगे। ऑफसेट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि आउटर और इनर लाइन वर्क चाहिए हमें, कितना ऑफसेट मतलब कितना देना है,
तो ये हो गया डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस यानी कितना mm का हमें डिस्टेंस देना है। देखिए 20 mm का डिस्टेंस करते हैं। और ये देखिए आउटर हो गया और ये इनर हो गया, इनर मतलब वेक्टर के अंदर और आउटर मतलब वेक्टर के बाहर, और बोथ साइड का मतलब दोनों साइड बाहर भी और अंदर भी। और ये हो गया, देखिए दोस्तों आपको किस शेप में चाहिए, मतलब आप जो वेक्टर चाहिए इनर या बाहर वो किस शेप में चाहिए, आपको स्ट्रेट में चाहिए या क्यूब में चाहिए या ऐसे चाहिए, जैसे भी चाहिए आप वैसे इसको लगा सकते हो। और ये ऑप्शन होता है देखिए डिलीट ओरिजिनल वेक्टर, ये भी बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए हम यहाँ से आउटर लेते हैं, तो आउटर ये 20 mm का आउटर आ गया, ये हमारी ओरिजिनल लाइन थी, ये 20 mm हमारे पास आउटर आ गया। देखिए हम इसको अब हम इनर करते हैं, देखिए दोस्तों ये इनर पर क्लिक किया, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये 20 mm इनसाइड आ गया, 20 mm इनसाइड आ गया। देखिए दोस्तों अब हम इन दोनों को डिलीट करते हैं और आपको बोथ साइड दिखाता हूँ 20 mm, यहाँ पे क्लिक करेंगे और बोथ साइड पे क्लिक करेंगे, दोनों साइड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों अब हम इसको डिलीट करते हैं और मैं आपको आउटर में ये दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए स्मूथ आएगा हमारे पास, रेक्टेंगल में नहीं आएगा स्मूथ आएगा। ठीक है रेडियस जो है रेडियस में आएगा, और कितना रेडियस देना है वो भी आप निर्धारित कर सकते हैं, ये देखिए। और जैसे ही हम इनसाइड करेंगे तो इनसाइड में भी ये आएगा, ये देखिए इनसाइड। ठीक है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब ये देखिए इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और 20 mm इनसाइड देंगे, तो एक मिनट आउटर देंगे, ये देखिए ये इस शेप में आ जाएगा, ये इस शेप में आ जाएगा आपके पास, चारों कोने ऐसे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों अब हम ये बताते हैं आपको ओरिजिनल, जैसे यहाँ पे एक स्क्रीन और यहाँ पे हम शेप में जाएंगे और हम यहाँ पे 50 mm का देंगे, ये बोल रहा है डिलीट ओरिजिनल वेक्टर्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए चारों ओर 20 mm 50 mm का आ गया वेक्टर, लेकिन इसमें क्या है ओरिजिनल वेक्टर डिलीट हो जाता है, आपका जो ओरिजिनल वेक्टर होता है वो डिलीट हो जाता है। और अब आप देखिए 30 mm इनसाइड लेंगे, 30 mm इनसाइड ले लेंगे, ये देखिए ये टिक लगाने पर है। मैं आपको धीरे धीरे सारे टूल पाथ बताते रहूँगा दोस्तों, कैसे टूल बनाते हैं कैसे 3D बनाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आपको हमारा वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिए हुए हैं आपको, और व्हाट्सएप ज्वाइन लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं आपको, आप कॉन्टेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कर देंगे। देखिए इसको हम डिलीट करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों ये मैंने, अब मैं आपको मिरर वेक्टर बताता हूँ। देखिए मिरर वेक्टर क्या होता है, तो मैं आपको एक ये वेक्टर बनाया हमने, अब मिरर बताऊंगा मैं आपको, ये देखिए ये होता है मिरर। ठीक है दोस्तों अब मिरर पे क्या है, हम इसकी कॉपी बना सकते हैं लेफ्ट राइट, और यहाँ हम ये कॉपी रहेगा तो ये कॉपी हो जाएगी इसकी, जैसे कि लेफ्ट साइड चाहिए तो ये लेफ्ट साइड कॉपी हो जाएगी, और राइट साइड चाहिए तो ये राइट साइड, आपको पहले से हमारे पास कॉपी है तो ये राइट साइड कॉपी हो जाएगी। अब हमें इसकी टॉप चाहिए तो टॉप में कॉपी हो जाएगा, और बॉटम चाहिए तो बॉटम में कॉपी हो जाएगा, ये देखिए बॉटम में कॉपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये है मिरर का ऑप्शन। ठीक है आप इसका दोनों का सेंटर चाहिए आपको, दोनों का वो भी बताता हूँ मैं आपको, देखिए ये है ये सेंटर में चाहिए, तो ये देखिए दोनों का सेंटर में आ जाएगा। ठीक है और यहाँ भी ये चाहिए आपको, तो यहाँ भी इसका जितनी जगह नीचे छोटी हुई है ना यहाँ उतनी जगह ऊपर छोटी हुई है, इसका ये अर्थ होता है। जैसे कि हम इस वेक्टर को यहाँ लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे
दोनों बराबर, जैसे कि 20 mm ही आए तो 20 mm ही आ रहेगी। इसका काम ये है, डिस्टेंस दोनों का बराबर रहेगा, ये डिस्टेंस के लिए है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये, अब हम इसको ये देखिए, दोनों के अंदर डिस्टेंस बराबर है। ये डिस्टेंस के लिए आता है, ये टो राइट के लिए आता है, ये सेंटर के लिए आता है, और सेंटर इसके लिए आता है, ये इस सेंटर के लिए आता है। ये देखिए, इसका सेंटर ये हो गया, सेंटर पे आ गया, ठीक है। और ये टॉप के लिए, और ये लेफ्ट राइट के लिए एक ये है, यहाँ पे आप कॉपी रखोगे तो कॉपी ही होगा इसका। अगर आप इसको हटा दोगे, जैसे लेफ्ट चाहिए तो ये लेफ्ट हो जाएगा, आपको राइट चाहिए तो राइट हो जाएगा, टॉप चाहिए तो टॉप में हो जाएगा। लेकिन ये कॉपी नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे कॉपी लिखो, कॉपी पे क्लिक करोगे कॉपी रहेगा, और जॉइन मिरर तो जॉइन मिरर पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये है आपका मिरर वेक्टर। अब मैं आपको जैसे कुछ और कुछ समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, हमने एक ये ले लिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल लेते हैं, एक रेक्टेंगल लंबा लेते हैं। अब ये देखिए, ये है, अब हमें इसको सेंटर में लेना है। सपोज ये सेंटर, सेंटर के लिए आता है, टॉप लेफ्ट राइट जो भी हमें मिलान करना है इसके लिए आता है। ये सेंटर होता है, जो हमारी शीट होती है 8x4 की, जो हमने साइज ली है उसका सेंटर है, ये सेंटर है उसका। और ये जो सेंटर होता है, ये होता है सबका सेंटर। ये देखिए, सब कुछ सेंटर में आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये सेंटर वेक्टर बोलते हैं इसको। और ये देखिए, सब हमें टॉप में चाहिए तो ये देखिए, एक साइड चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए तो लेफ्ट में आ जाएंगे। अब इसको हम सेंटर भी दे सकते हैं, ये सेंटर आ गए, और लेफ्ट साइड दे दीजिए, लेफ्ट देंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट देंगे तो राइट में आ जाएगा। देखिए, ये राइट देंगे तो राइट में आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब काम करता है, टॉप में देंगे तो टॉप में आ जाएगा, और बॉटम में देंगे तो बॉटम में आ जाएगा, और बीच में देंगे तो बीच में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको सेंटर वेक्टर है, इसको आप जैसे यूज करोगे धीरे धीरे इनका पता आपको लगता रहेगा दोस्तों। ये सेंटर वेक्टर हो गया, ठीक है। और मैं आपको मिरर वेक्टर मैंने बता ही दिया, और आपको कोई वेक्टर जॉइन है तो वो जॉइन वेक्टर भी बता दूंगा आपको। देखिए, जैसे कि हमने एक लाइन ली, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक छोड़ देंगे, बस ये हमने लाइन ले ली। अब यहाँ से हमारा ये जॉइन वेक्टर है, देखिए किस तरह का हमें जॉइन चाहिए। ये देखिए, क्लोज वेक्टर का नाम है ये, इसका नाम क्लोज वेक्टर है, और हम इसको जॉइन करेंगे। जैसे हमें किस प्रकार से जॉइन चाहिए, इस प्रकार से जॉइन चाहिए, तो ये इस प्रकार से जॉइन हो जाएगा हमारा वेक्टर, ठीक है। और हमें ये देखिए, इस प्रकार से जॉइन चाहिए तो हमें इस शेप में जॉइन हो जाएगा। कंट्रोल जेड दबा के वापस ले लेते हैं, हम जिस भी प्रकार से जॉइन करेंगे इस प्रकार से ये जॉइन हो जाएगा। ये देखिए, ये होता है जॉइन वेक्टर, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे कि ये हमने बॉक्स ले लिया, बॉक्स ले लेते हैं, लाइन लेते हैं, ये हम लाइन ले लिया हमने, ठीक है। अब हम इसकी कॉपी कर लेंगे और नीचे रखेंगे। ये देखिए, अब हमें इन वेक्टर को जॉइन करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये अभी दूसरा वाला जॉइन था, अभी ये दूसरा वाला जॉइन है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये एक साइड से जॉइन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमें पूरा जॉइन करना है तो इससे करना होगा, और वरना ऐसे होगा। अब देखिए, इस प्रकार से एक साइड से जॉइन हो गया, ये वैसे जॉइन हो गया। और अभी आपको मैं दोबारा बताता हूँ, इस शेप में जॉइन हो गया, ठीक है, ये जॉइन है, और ये पूरा जॉइन है।
और ये ज्वाइन हो जाएगा ऐसे, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने आपको वेक्टर बताए दिए, और ये मिरर वेक्टर बताए दिया आपको, और मैं धीरे धीरे आपको नए नए वेक्टर बताता रहूँगा, नई नई चीज़ें आपको बताता रहूँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, लाइक शेयर करना न भूले, सब्सक्राइब हमारा चैनल ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको और भी आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए, तो मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखाता रहता हूँ। और दोस्तों, अब मैं आपको एक टूल और बताऊँ, अब हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और एक सर्कल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। देखिए, ये रेक्टेंगल हो गया और ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, और जैसे एक स्टार भी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये तीनों को सिलेक्ट करेंगे। ये टूल बताऊंगा मैं आपको, एक्सपोर्ट वेक्टर्स, इस पर क्या होता है, एक्सपोर्ट वेक्टर पे अलग अलग आप जैसे कि किसी को ट्रिम करना हो, बेल्ड करना हो, वो सिस्टम चलता है। ये बेल्ड है वेक्टर है, जैसे कि कोरल ड्रा में होता है, ये बेल्ड वेक्टर है। देखिए, ये बेल्ड हो गया, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बेल्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि हम इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एक्सप्लोर वेक्टर हो गया, ये देखिए ये सब अलग अलग हो गया, ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये अलग हो गया, जहाँ जहाँ से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे वहाँ ये सब अलग अलग हो गए। ये देखिए, जहाँ जहाँ से ये देखिए, जहाँ जहाँ क्रॉस कर रहे थे वहाँ से सब अलग अलग हो चुके हैं, ये काम में आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि हम इन दो को सिलेक्ट करते हैं, इसको रहने देते हैं, ये देखिए ये इनसाइड करना है, मतलब इनसाइड अंदर के साइड का आने वाला, ये अंदर के साइड का इनसाइड वेक्टर, अंदर जो इसके अंदर था वेक्टर के वो बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि ये है इनसाइड, मैंने बता दिया, ये सब ट्रैक वेक्टर, ये सब ट्रैक करता है, ये देखिए जो बाहर की चीज़ है वो बाहर निकल के आ जाएगी हमारे पास, ये सब ट्रैक वेक्टर हो गया, बाहर की चीज़ है जो वो हमारे पास बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है। और बताता हूँ मैं उसको, ये ट्रिम वेक्टर हो गया, ट्रिम वेक्टर, ये देखिए ट्रिम करेगा, ये ट्रिम करेगा, जो बीच का वेक्टर है वो गायब हो जाएगा, जो बीच का वेक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए जो हमारा ये बीच का वेक्टर था ये खत्म, ये अलग हो गया और ये ज्वाइन होके अलग हो गया, ये ज्वाइन है, ये देखिए ग्रीन वाला टिक दिखाई दे रहा है, ये इसका मतलब ये ज्वाइन है, ऐसे ये अलग अलग हम इसके द्वारा काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चारों मैंने बता दिया, एक्सप्लोर वेक्टर बता दिया, ट्रिम वेक्टर बता दिया, और ये सब्ट्रैक्ट वेक्टर बता दिया, इनसाइड वेक्टर बता दिया, और बेल्ड वेक्टर बता दिया, ये बेल्ड वाला है तो बेल्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हम इस तरीके से अब काम करते हैं दोस्तों, देखिए अलग अलग प्रकार से हम इसमें जैसे हमें आवश्यकता हो वैसे हम इसको यूज में ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए कंट्रोल जी का ऑप्शन आता है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल जी ग्रुप, ये है ग्रुप, ये देखिए ग्रुप का ऑप्शन यहाँ भी यूज ले सकते हैं, और कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा और कंट्रोल यू से अनग्रुप हो जाएगा, ये चीज़ें है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। इसमें ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और आने वाले वीडियो में मैं और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता दूंगा, जिससे आप आसानी से इन टूल्स को यूज ले सकते हैं। मैं अभी 2D टूल पर ही बता रहा हूँ आपको, 3D टूल बाद में बता दूंगा आपको, तो जो वेक्टर मेरे काम में आते हैं 2D में
वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारा एक ये चैनल भी है डबल गुरु, इसके नाम से आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है वो इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।